हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है टैग स्मार्ट वॉच के रिव्यू का। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ऐप इस स्मार्ट वॉच में जो जो फंक्शंस दिए हैं वो बराबर से वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें जो ऐप बोला था डाउनलोड करने के लिए, वाई फिट ऐप। तो हम वो ऐप को पहले देखते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये है वाई फिट ऐप, इसको मैं अभी ओपन करती हूँ। तो ये ऐसे दिखता है। ये मैं ट्यूसडे नाइट को वीडियो निकाल रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे अभी स्टेप 00 दिखा रहा है। तो ये होम है, यहाँ पे अभी लास्ट वर्कआउट मतलब मेरा ट्यूसडे का वर्कआउट का यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड किया है। ये ट्यूसडे 25 अगस्त, इस पर मैं क्लिक की तो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है वॉक। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी तो इसमें ये पूरा मैप में दिखाया मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कौन से लोकेशन में मैं गई, वो पूरा ये मैप में रिकॉर्ड किया है। देन मैंने कितना किलोमीटर कवर किया, 7.76 किलोमीटर, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। फिर मेरा जो वॉक का स्पीड था वो कैसे है, वो ऐसे पूरा यहाँ पे ये कलर के थ्रू पता चलता है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑरेंज है तो ये इसके बीच में, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट ऐसे। देन मैंने टाइम कितना लिया वो टाइम दिया है यहाँ पे। देन कैलोरीज कितना बर्न किया वो है, स्टेप्स कितना हुआ वो है। देन मेरा ओवरऑल वर्कआउट के टाइम पे, वॉक के टाइम पे मेरा हार्ट बीट कितना था, वो कंटिन्यूस मॉनिटर करता रहता है हार्ट बीट। तो एवरेज मेरा 61 था एंड मैक्सिमम 108 तक हार्ट रेट रीच हुआ था, ये है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हार्ट रेट। तो ये हार्ट रेट जो है ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है, हम पहन के रखते तो वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है। तो मेरा मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 74 एंड मैक्सिमम 165 तक गया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्लीप। तो स्लीप का मैं 25 अगस्त का मैं बताती हूँ, ये 25 अगस्त का है। तो यहाँ पे अलग अलग बार है और ये हर एक बार का अलग अलग इंडिकेशन है। जैसे ये डार्क वाला है वो डीप स्लीप है। देन ये जो ब्लू लाइट ब्लू है वो शैलो स्लीप है। देन जो ये यहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ है ये पता नहीं क्या है ये, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और इसमें भी कुछ डिनोट नहीं किया है कि ये येलो क्या है, तो ये मुझे भी नहीं पता क्या है। नेक्स्ट इसमें जो टाइम दिया है वो एकदम एक्यूरेट है, टोटल टाइम 7 आवर्स। देन वेक टाइम 2 है। देन स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी एकदम एक्यूरेटली उसने मॉनिटर किया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन, ये भी ये थोड़े थोड़े इंटरवल में रिकॉर्ड करते रहता है। तो जैसे ये 25 अगस्त का मैं बता रही हूँ तो ये चारों इंटरवल में उसने अलग अलग अपने से मॉनिटर किया, हमें ऑन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप मॉनिटर करता है थोड़े थोड़े टाइम पे। और इसका जो नेक्स्ट फिर है एक्सरसाइज का, नेक्स्ट टैब है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज पे हम क्लिक करते हैं, तो एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा मैप ओपन होता है और यहाँ से हम लोग अपना वर्कआउट का, वॉक का या जो भी है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल मेरा लोकेशन ऑफ है इसलिए वो ऐसा एरर दिखा रहा है, नहीं तो वो बराबर से स्टार्ट होता है, वहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग सब दिखाता है ऐसे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट टैब है इसका डिवाइस का टैब है। तो ये डिवाइस वाले टैब में हम देखते हैं क्या है। तो डिवाइस वाले टैब है यहाँ पे, तो पहले स्मार्ट वॉच का लोगो दिया है, यहाँ पे वर्वे लिखा है, देन यहाँ पे बैटरी का डिनोट किया, कनेक्टेड लिखा है। यहाँ पे बैटरी देखो ऑलमोस्ट ड्रेन हो गया है, हम अगर फोन में देखेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 9% है। और ये मैं संडे को मेरा आया था, मैं संडे से यूज कर रही हूँ और संडे को इसका 97% था। और ये मैं कंटिन्यूसली 2 दिन से यूज कर रही हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे, और अभी आज ट्यूसडे नाइट है। तो ये ऑलमोस्ट ड्रेन हो गया, 9% ही है। मतलब इन्होंने जो बोला था कि 10 डे बैटरी बैकअप है वो वैसा तो है नहीं, 2 दिन में ड्रेन हो गया है वो, अभी मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा उसको। देन नेक्स्ट अभी ऐप का देखते हैं, ये फेस वॉच फेस है, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट वॉच फेस है। तो जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो भी, वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अभी ये सिलेक्ट करती हूँ, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कन्फर्म करना है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है सिंक होने के लिए। तो देखो जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट किया था वो तो यहाँ पे ये
ये हो गया, या हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, बस ये एडिट पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करके कोई भी एक सिलेक्ट करके उसको सिर्फ ऐसे सिंक करना है, डन करना है। तो वो थोड़ा सिंक होने में टाइम लेता है, कंफर्म करेंगे तो, और वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमने सिलेक्ट किया था ये वाला, और ये देखो यहाँ पे ये चेंज भी हो गया है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसमें और भी, और इसमें ये अलग अलग है, इनकमिंग SMS ऑन ऑफ करना है, कॉल रिमाइंडर ऑन ऑफ करना है, ये सारे डिवाइस अलार्म ये सारे है, ड्रिंकिंग रिमाइंडर ये सब, टाइम फॉर्मेट, अगर फाइंड डिवाइस ये सारे है। देन ये एक इजी कैमरा का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे इजी कैमरा पे, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ये ऐसे ऑन हो जाता है। देखिए शेक फॉर सेल्फी, तो बस इसको हमें शेक करना है और ये फोटो क्लिक करता है। जैसे देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखो फोटो क्लिक हो गया, बस ये शेक करना है। ये मैं एप्पल का फोन यूज कर रही हूँ, इसलिए हमें वो मैन्युअली ओपन करना पड़ता है कैमरा। और वैसे तो इसमें जो भी फंक्शंस है वो सारे अच्छे ही है, मुझे ऐसे कुछ ऐसे मिला नहीं कि इसमें ये फंक्शन ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, सारे अच्छे ही है। चलो फिर फटाफट से हम इसमें जो भी ऐप है ये उसका रिव्यू देखते हैं कैसे क्या है। ये स्पोर्ट्स का है जैसे कि मैंने ऐप में बताया था, बस ये वॉक का है, ये वॉक पे क्लिक करेंगे हम तो ये बस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम वॉक करेंगे वैसे वैसे वो यहाँ पे काउंट करके सारा स्टेप्स और सारे कितने कैलोरीज बर्न हुए हैं वो सारा दिखाएगा। देन ये है, ये एक्यूरेटली, ये एकदम एक्यूरेटली मॉनिटर करता है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं, फिर ये वैसे ये रन कर रहे तो ये रन पे बस क्लिक करना है हमें, और वो सब फटाफट रिकॉर्ड करते जाएगा जैसे जैसे हम ये करेंगे अपना वर्कआउट करेंगे वैसे। देन नेक्स्ट फिर ये वैसे ये साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, योगा ये सारे है ऐसे। देन नेक्स्ट है इसका हार्ट रेट, हार्ट रेट पे मैं क्लिक करती हूँ अभी, अभी ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। और इसका जो हार्ट रेट का जो वो रीडिंग देता है वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग है। मैंने ये क्रॉस चेक भी किया है, मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर है उसके साथ मैंने चेक किया है, बस एक दो का डिफरेंस है, बाकी पूरा एक्यूरेट रीडिंग देता है वो। तो ये अभी चेक कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है चेक करने के लिए। तो देखो अभी 97 दिखा रहा है जो एकदम एक्यूरेट है। तो ये भी अच्छा है इसका जो हार्ट रेट जो ये बता रहा है 95 पे आके रुक गया है वो, तो ये एक्यूरेट है। देन नेक्स्ट है इसका ब्रीथ, ब्रीथ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है टच टू स्टार्ट। तो ये हमें ऐसे बताता है ब्रीद इन ब्रीद आउट कितने मिनट तक करना है, ताकि कभी हमें एनजाइटी हो या कुछ हो तो ये हम यूज कर सकते हैं टू रिलैक्स आर सेल्फ ऐसे है। तो ये एज अ ट्रेनिंग है कि हम अपने ब्रीथ को अच्छे से करें ये। तो इसको भी मैं अभी भी क्लोज करती हूँ। देन नेक्स्ट इसका O2 है, तो ये रीडिंग भी एकदम एक्यूरेटली देता है। ये जो भी मार्केट में स्मार्ट वॉच अवेलेबल है वो सब में ऑक्सीमीटर नहीं है, ये पहला स्मार्ट वॉच है जिसमें ऑक्सीमीटर है, और इसका जो रीडिंग भी है वो एकदम एक्यूरेटली वो दिखाता है। अभी ये कैलकुलेट कर रहा है तो ये अभी 97% बताया, तो ये 97% एकदम एक्यूरेट। और ये अलग अलग टाइम इंटरवल पे अपने आप वो चेक करता है हम लोग अगर ये वॉच पहन के रहे तो। देन नेक्स्ट इसका है न्यूज़, अब ये हम मैंने कनेक्ट किया है तो ये मुझे अपडेट दे रहा है, जो भी मेरे फोन में है वो सारे अपडेट्स दे रहा है क्या है। देन नेक्स्ट वेदर, वेदर का भी ये एक्यूरेटली जिस जो इसे फोन में दिखा रहा है वैसे ही इसमें भी है। नेक्स्ट फिर कैमरे का है, तो ये अभी मैं इसको कनेक्ट करके रखी हूँ मेरे आईफोन को, तो ये यहाँ से ओपन नहीं होगा मेरे फोन से कैमरा, वो मुझे फोन में जाके मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा, बट एंड्रॉयड फोन में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपने फोन में वो कैमरा ओपन हो जाता है, बस इसको हमें शेक करना है और वो फोटो क्लिक होता है। अच्छा, तो ये भी एक फीचर बहुत अच्छा है इसमें। देन नेक्स्ट म्यूजिक, म्यूजिक का भी हम यहाँ से ही ऑन ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा जो करना है वो कर सकते हैं। देन फाइंड फोन, तो बस उस पर क्लिक करना है और अब मेरा फोन वो रिंग होने लग जाएगा ऐसा है।
और ये इसमें स्टॉप वॉच भी है जो हमें कभी यूज़ आया तो हम कर सकते हैं इसको यूज़ ऐसे। नेक्स्ट इसमें सेटिंग है, तो सेटिंग में भी फेस वॉच फेस है, तो इसमें सिर्फ चार ही है और इससे ज़्यादा हमें करना है चेंज तो हमें ऐप से चेंज करना पड़ेगा ऐसे है। देन नेक्स्ट इसमें क्यूआर कोड, ऐप डाउनलोड करना है तो ये हम क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्क्रीन स्लीप है, ब्राइटनेस, स्क्रीन स्लीप कितना रखना है, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, वो ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन ब्राइटनेस कितना रखना है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देन पावर ऑफ, रीसेट, ये है। देन अबाउट में तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, कंपेयर तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन जैसे भी है अच्छा है ये प्रोडक्ट। इसमें कुछ होते ना डिसएडवांटेज या डिस क्या बोलते हैं, कॉन्स मुझे कुछ दिखा नहीं। बस यही एक है कि जो बैटरी बैकअप बोला है कि 10 डेज तक चलेगा, वो ऐसा नहीं है, 2 दिन में ही इसका बैटरी फुल ड्रेन हो गया है ऐसे। बाकी और इसका प्राइस जो है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि कितने में लिया है, कम में भी मिलता है, तो मैंने ये टैग के ऑफिशियल साइट से लिया है जो कि 3999 में मैंने लिया है। और अभी मंडे से ये अमेजोन पे भी अवेलेबल हुआ है और उसका प्राइस है 3099। तो आपको अमेजोन से ऑर्डर करना है आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी कुछ वाउचर रहेगा कुछ रहेगा वो तो मुझे पता नहीं, मैंने ऑफिशियल साइट से फुल प्राइस दे के ही ये ऑर्डर किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो को तो मैंने ज़्यादा लेंदी कर दिया है, बट इन शॉर्ट इसका रिव्यू दूँ तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। 3 दिन से कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट ये ब्रांड का यही है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है और अभी हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करना है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो ये बाय करने के लिए, तो मैं तो बोलूँगी आप डेफिनेटली गो फॉर इट, और अच्छा प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।